वह बिछिया नगर परिषद होने के बाद भी गांव से बेहतर हाल। बिछिया नगर परिषद होने के बाद भी वार्ड 6 भड़गा का गांव से भी बेहतर हाल। न कोई रोड, न पानी के लिए नाली, कच्ची रोड होने के कारण लोगों दिन में तो आते जाते रहते हैं, मगर रात में अंधेरा होने बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वार्ड होने के बाद भी पक्की रोड बनाली नहीं बनी, जिसकी ओर शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। संवाददाता मंडला भुवनेश्वर केवट। उत्तराखंड में मिल चुका है, नेपाल में जैसे कहा माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया गया है, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में भी करना चाहिए। कुछ मांगों को लेके हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए, गौ मंत्रालय अलग से बनाना चाहिए ताकि गौ माता के विषय में सुचारू रूप से चर्चा हो सके। तीसरा, आंगनबाड़ी केंद्र में 10 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको गौ माता का, देसी गाय माता का शुद्ध घी दूध सभी बच्चों को शासन की तरफ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मांग है गौमूत्र गोबर को लेके कि हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में गोबर खरीदी केंद्र, गौमूत्र खरीदी केंद्र बन जाए, क्योंकि गोबर से बहुत सारी उपलब्धियां हो सकती है। गोबर से गैस बन सकती है जिससे आज घरेलू जो खाना बन रहा है उसमें उपयोग हो सकती है और गाड़ी तक चल सकती है, और जो दूसरी जगह से ईंधन लेके आ रहे हैं दूसरे देश से, और हमारा देश कहीं ना कहीं आज जो आर्थिक रूप से जूझ रहा है उससे कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। इस विषय पे सुचारू रूप से शासन को ध्यान देना चाहिए। पांचवी जो हमारी मांग है वो जो गोचर होकर की जितनी जमीन है जो अतिक्रमणकारियों ने कब्जा करके रख लिया है उसको निकाल के सब लोगों से और गाय माता के लिए मुक्त कराना चाहिए। अपनी जो हमारी मांग है कि देसी गाय माता को जो विदेशी नस्ल का बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है, इसमें भी सरकार को सोचना चाहिए। और इन सारी विषयों को लेकर आज सभी सामाजिक संगठन एकत्रित होकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय मंडला को ज्ञापन सौंपे हैं, तो निश्चित ही ये दौर चालू रहेगा। 25 दिन में अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम धरना प्रदर्शन में सामूहिक रूप से सब लोग बैठेंगे और गाय माता को जब तक राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिलता जब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। जय गौ माता। गौ माता की जय।